दोस्तों जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो वो ऐसे ही मन से छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि हमारे भारत के कई वीरों ने उनका जीना हराम कर दिया था। अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन हमारे इन सूरवीरों ने अंग्रेजों को भी चैन से नहीं बैठने दिया था। इन लोगों की विचारधारा ही अंग्रेजों के लिए काफी थी। आज हम जानेंगे कि भारत के उन वीरों ने अपने अंतिम शब्दों में क्या कहा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मौत से पहले अपने अंतिम शब्दों में आखिर क्या कहा था। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि महात्मा गांधी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतिम शब्द क्या थे। चलिए इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। भगत सिंह के अंतिम शब्द। दोस्तों भगत सिंह ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह भारत की आजादी में लगा दिया था। छोटी उम्र में ही अंग्रेजों को इतना डरा दिया था कि अंग्रेजों के कई बड़े बड़े अधिकारियों की नजर में भगत सिंह आ गए थे। बाद में भगत सिंह ने एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह अंग्रेज पुलिस वाला लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार था, जिस वजह से अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा सुना दी। भगत सिंह ने फांसी से कुछ वक्त पहले जो कहा था वो वाकई में हमें सोचने पर विवश कर देता है। फांसी से एक दिन पहले ही 22 मार्च 1931 को अपने आखिरी पत्र में लिखा भगत सिंह ने कहा, साथियों स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि कैद होकर या पाबंद होकर न रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं हो सकता था। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह की उम्मीद करेगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। भगत सिंह ने फांसी देने से पहले जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। महात्मा गांधी। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से लड़े थे। उन्होंने अंग्रेजों को झुकाने के लिए कई आंदोलन किए, लेकिन नाथूराम गोडसे गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। नाथूराम गोडसे पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के लिए भी गांधी जी को जिम्मेदार मानते थे। इसलिए आज से करीब 60 साल पहले 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के पैर छूने के लिए झुका, और जब उठा तो उसने एक के बाद एक 3 गोलियां महात्मा गांधी के सीने में दाग दी थी। ऐसा माना जाता है कि बिड़ला भवन में गोली लगने के बाद बापू हे राम कहते हुए गिरे थे, और ये शब्द उनके पास चल रही उनकी पोती आभा ने भी सुने थे। महात्मा गांधी की समाधि पर भी हे राम अंकित है। हालांकि गांधी जी के आखिरी शब्दों को लेकर बहस भी होती रहती है। चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को भली भांति और बुरी तरीके से महसूस करा दिया था कि ये भारत हमारा है और इसमें आपको रहने का कोई हक नहीं है। मात्र 25 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए थे। किसी गद्दार ने अंग्रेजों को ये मुखबरी दे दी थी कि चंद्रशेखर आजाद एक पार्क में छुपे हुए है। उसके बाद अंग्रेज पुलिस वालों की टोली ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया और फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसमें कुछ अंग्रेज पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। आजाद के साथ उनके दोस्त सुखदेव राज भी थे। चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जांग में गोली लगी है। इसके कुछ समय तक अंग्रेजों से आजाद लड़ते रहे और अंतिम समय में उनकी बंदूक में बस एक अंतिम गोली ही बची थी, और वह गोली आजाद ने खुद को मार ली, क्योंकि उनका ये वादा था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगूंगा। चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। अंग्रेज लाख कोशिशों के बाद भी चंद्रशेखर आजाद को जिंदा नहीं पकड़ पाए थे। जिस प्रकार उनके नाम के पीछे आजाद था, वह उसी प्रकार अंग्रेजों के सामने आजाद थे अपनी अंतिम सांस तक। अपने पराक्रम से उन्होंने अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था कि उनके मौत के बाद भी अंग्रेज उनके मृत शरीर को आधे घंटे तक सिर्फ देखते रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वे पास गए तो कहीं चंद्रशेखर आजाद उन्हें मार न डाले।
ये था चंद्रशेखर आजाद का जलवा, जो मात्र 25 साल की उम्र में देश के लिए वो कर गए थे जो आज का युवा सोच भी नहीं सकता है। ये युवाओं के लिए बड़ा सोचने का विषय है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने जो देश के लिए जो काम किए उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन हमारे भारत की ये महान हस्ती भाषण देते देते इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब एक प्रोग्राम में भाषण दे रहे थे, स्टेज पर करीब 2 मिनट बोलते हैं। उन्होंने आखिरी लाइन कही थी कि धरती को जीने लायक कैसे बनाया जाए। रास्ते में वो कह रहे थे कि संसद का डेडलॉक कैसे खत्म किया जाए, फिर कहने लगे कि IIM के स्टूडेंट से ही पूछूंगा। उन्होंने लगभग 2 सेंटेंस ही बोले होंगे और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचा नहीं सके। कलाम साहब कहते थे कि मैं टीचर के रूप में ही याद किया जाना चाहता हूँ, और हमारी ये महान हस्ती पढ़ाते पढ़ाते ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। कलाम आम आदमी की जरूरतों पर भी काम करते थे और लगातार इस प्रयास में रहते थे कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी जरूरत की चीजें सस्ती की जाए। कलाम साहब की अंतिम इच्छा थी कि वो देश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर करोड़ों स्माइल्स देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंडिया का जो गांव का एरिया है, रूरल एरिया है, वो तेजी से डेवलपमेंट हो। वह यूथ को एम्पावरमेंट को लेकर भी बात करते थे। अब जबकि कलाम साहब आज हमारे बीच नहीं है, मगर हमें उनके आइडियाज को ज्यादा यूज करने की जरूरत है। आज इन महान हस्तियों में से एक भी हमारे बीच मौजूद नहीं है। आज हमें इनके आदर्शों पर चलने की बहुत आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार का नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हिस्ट्री टेलीविजन के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसकी सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।